दुनिया वालों इसके भी सुन लो। चल भाई मोनू, तो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? आज हम जा रहे हैं सूरज कुंड पार्क में। आज हम जा रहे हैं सूरज कुंड पार्क, मेरठ के फेमस सूरज कुंड पार्क जा रहे हैं घूमने। मेरठ के फेमस सूरज कुंड पार्क जा रहे हैं घूमने। तो हम मेरठ के फेमस सूरज कुंड पार्क जा रहे हैं घूमने, और वहाँ लोंडे छेड़ेंगे। और वहाँ हम लोंडे छेड़ेंगे, लुगाई भी, और लुगाई भी। भोसड़ी के तुम पे ना बोला जा रहा, लवरा को दिखा। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम मेरठ के सबसे फेमस सूरज कुंड पार्क, जो मेरठ में सबसे फेमस जगह है। वहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं, क्योंकि वो मेरठ की सबसे आँख में मारा भोसड़ी के, बारिश ना पड़ रही है, दिखना ना हो रहा है। तो दोस्तों आज हमारे मेरठ शहर में देख सकते हो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। नीसू को भी उठाना मस्त, हल्की हल्की बारिश पड़ी और हमने साथ में छाता ले लिया। छूते नीसू भाई इंतजार कर रहा हमारा, तो एक हमारा दोस्त है नीसू, वहाँ हम जा रहे हैं। तो नीसू भाई वहीं मिलेंगे, उसे रस्ते में से उठा लेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं तुम्हें रस्ते में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नीसू भाई को उठाना रस्ते में से, नाई की दुकान पे दाढ़ी बनवा रहा है वो। और भैया मौसम कुछ कहता है ये, इधर को। तो दोस्तों जहाँ हम रहते हैं वहाँ रस्ते के कई मोड़ पड़ते हैं, यहाँ इंसान भटक जा मानू। ये हमारा जय भीम नगर मेरठ, गरीबों की बस्ती। तो दोस्तों नीसू भाई यही है, नाई की दुकान ये रही। और नीसू भाई इस दुकान पे अपनी दाढ़ी कटवा रहे हैं। ये रानी शुभा, नीसू भाई कटवा ली तेरी दाढ़ी, आ जा जल्दी। और क्या है लोंडे, बढ़िया भाई अगर किसी की बाइक मिल जाए तो तीनों लटक जाएंगे उस पर, ठीक है? तेरे बाप की तीनों कैसे आएंगे उस पर? तीनों कैसे मनोज को उस पर नीसू को उस पर बैठा देंगे ना। शिवा शिवा क्या हाल है, भूस ढो रहा भूस। तो दोस्तों ये हमारे पड़ोसी हैं जो भूस ढो रहे अपनी गाय के लिए। तो हम तीनों चल दिए हैं और हम तुम्हें मिलेंगे अब आगे, मिनी मेट्रो में बैठते हुए मिलेंगे, फिर उसके बाद में सीधा चलेंगे हम सूरज कुंड पार्क। तो दोस्तों मनोज भाई बैठ चुके हैं सूरज कुंड पार्क की ओर, निकल चुके हैं भरी बरसात में। ओ पल्ली ओढ़ो मादर चोद। दोस्तों बारिश मेरठ शहर में बहुत ज्यादा पड़ रही है, देख सकते हो आप सड़क गीली हो चुकी है, भीगी भीगी सड़क। यहाँ तो बाढ़ आ गई थी, मेरी छतरी के नीचे आ जा पुष्पा खड़ी खड़ी। पुष्पा पुष्पा देख, पुष्पा देख, बंद कर ले पुष्पा, टूट जाएगी, टूट जाएगी। तेरे बाप की ना है इसके, देख कैसे होश उड़े पड़े। मेरे क्यों वो तेरी सामान कौन है, वो तेरी सामान पूरा तेरी, वो तेरी कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, कितनी खूबसूरत है। हवसी हवस के पुजारी, मैंने ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में पहली 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 बार देखी। अपनी शिकल भी देख ले पहले, लड़की तो तुमने देख ली। 12 बजे सिकल पे। तो दोस्तों हम मनी मेट्रो में से उतर रहे हैं। तो दोस्तों हम सूरज कुंड पार्क के रास्ते पर आ चुके हैं और मनोज भाई पीछे पैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सूरज कुंड पार्क की ओर और पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेरठ के सूरज कुंड पार्क, यहाँ बाहर ठेला लग रहा, और दोस्तों हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। मनोज भाई आ गए हैं, मनोज भाई बारिश में कोई भी ना है, सब सोना सोना है। ओए रुक जा बहनचोद, रुक जा। हाँ चेली लड़ाई कर रही है, सेटिंग्स अपनी कर रही है, अपनी सेटिंग्स से लड़ाई कर रहा हूँ। कौन है भाई? तो दोस्तों यहाँ जो इस पार्क में लड़ाई भी हो रही है लड़कों के ऊपर, ये लड़का मेरा है, ये लड़का मेरा है। अरे नीसू भाई तुम कहाँ रह गए? आजा छत्ते में को, आजा छत्ते में को, आजा मेरे ससुरे। यार मोनू यहाँ तो कोई भी ना, तो लोंडे देखना है बहन, इतनी दूर से लोंडे आपको तो छोड़े हैं, लुगाई तक भी ना है। मैं तो लुगाइयों की वजह से आ भैया, मेरा तो लोंडियों में इंटरेस्ट खत्म होगा। चारों तरफ साला शमशान पड़ा है। तो दोस्तों हम दिखाने को हम दिखा सकते थे आज, पर आज कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि लोंडियों की वजह से यहाँ रौनक भरी है। लोंडियों की वजह से यहाँ दोस्तों रौनक लगा। अरे हैंगी हैंगी रे हैंगी हैंगी हैंगी, मैं कैमरा वही लाकर बाड़ूंगा, सीधी लोंडियों को धोरा कैमरा लाकर बाड़ूंगा। तो दोस्तों ये है पीछे ये पार्क है, बेंचो मैं जा नहीं सकता, बाद में दिखाऊंगा दोस्तों तुम्हें एक से खतरनाक सामान। ओ लोफर गर्दी कम करो साले, पहले मैं खेड़ूंगा सा मेरी घर में ना बहन ना तुम्हारे हैं ना भैया है, तो फिर बहुना है। तो दोस्तों आ जाओ सालों भक्का आ जाओ। छतरी छतरी तुम छतरी तो उड़ाओ, तुम भाग ले भोसड़ी का आगे भाग ले, छतरी क्या जरूरत है तुझे। यार लोंडिया है तो वे दुबक रही है, की बारिश की वजह से कोई पेड़ के नीचे दुबक रही है, कोई कट्ठे के नीचे दुबक रही है, पर समझ में नहीं आ रही कहाँ दुबक रही है, हमें ढूंढनी पड़ेगी। वो बोनो आज झूला कर ली पड़ा, झूले में झूलेंगे आजा।
लंड पे झूल ले मेरे में, आ जा तुझे झूलूंगा लंड पे बहुत, ठीक है। तो दोस्तों ये है सूरज कुंड पार्क का झूला, आराम से साले कभी इसे फेंक फांक दे कहीं। मरा 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 बहन का भोसड़ा। ए मिया जला दे ओए काफर के चूते, जल्दी जला दे। मेरे व्लॉग में गाली ना चलने की है, मेरे व्लॉग में गाली नहीं चलने की है, सस्पेंड कर दूंगा चैनल से। तू झूल लेगा ना? मैं ना झूल लेगा हूँ, झूल ले बेटा, गाली भरवाओगे तुम्हें। तो दोस्तों ना मैं ना झूल ला, मैं झूल ले इसे दिखा दो भैया, मैं जा रहा हूँ अब लौंडियों के बीच में व्लॉग बनाना दोस्तों, लौंडियों के बीच में जा रहा हूँ मैं। नहीं मैं नहीं रुकने वाला हूँ भैया, मुझे चाहिए पॉपुलैरिटी फुल, मैं भी लोग ऐसी ऐसी जगह के बना दूंगा जहाँ एक से एक सामान खतरनाक हो, बेहतरीन वाला। आगे जल्दी इन जगह देखियो कितना हराम ज्यादा आयु। चलो मैं जाता हूँ, इसके धोरा नहीं तो साला नाराज हो जाएगा, लुगाइयों की तरह नाराज हो जाए। तो भोसड़ी कैसा आवाज मार रहे हैं, लौंडियों का धोरा अच्छा भी लोग बना रहा हूँ, तेरी गांड मार लेंगे भोसड़ी के। हाँ चल इस पर झूल तू ले। ओ भोसड़ी के फट गई, फट गई, फट गई, फट गई, फट गई। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बीयर पी कर ऐसा ऐसा नाचा बास। ओए यू क्यों लाया तू? चेली ना दिया है यू, समझ का चेली ना चेली दी वहाँ। ओए छतरी चल चल, अब उनका कुछ ले चल। बहनचोद सांस फूल का मेरा। अरे एक बात बता, छतरी से दूर रहकर मेरी चूतिया, छतरी से दूर तो रह जाएंगे, पर यू बात बता, हम तेरे से बहुत देर से पूछने की सोच रहे हैं, पर बहन जब मन को मार कर रह जाऊँ, ये छतरी कहाँ से आई तेरे पे? यू भैया मैंने दी थी चेलू गिफ्ट, उससे होगा ब्रेकअप। अच्छा मगर अल्लाह तो बहन के लोड़े इधर को पकड़ा छतरी वापस ले ली। ओहो बजट वो कुछ दे नहीं सकती तो मुझे छतरी क्यों देगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा तू। अब इस पर चढ़, अब नीचे चढ़, बिल्कुल पक्का लैंडबाज बनेगा तू, तू पक्का होगा लैंडबाज में, तेरा कोर्स कंप्लीट होगा तेरा। बिल्कुल इस पे हाथ मिलाओ दोस्तों, ये होते लौंडे, अपनी चीज पहले गिफ्ट देते हैं फिर वापस लेते हैं, ये होते हैं मेरठ के यूपी के लौंडे। चल इस पर अपट तो दोस्तों मोनू भाई इस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मोनू भाई अपनी अकलबंदी दिखाएंगे। पैंट सारी भीग जाएगी इस पर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुंह दिया हो पैंट में। चल इसमें किसी और चीज में कर ले कुछ, किस पर ले उस पर झूलेंगे भाई। तो नीसू भाई धर्मिंदर बन गए हैं, दुनिया वालो इसके भी सुन लो। चल भाई मोनू तो दोस्त आप देख सके नीसू भाई की दिखा चूतर सन चुकी हैं, अब मोनू भाई अपनी अकलबंदी दिखाएंगे। पार्क में लुगाई लौंडियां चुपका बैठी हैं बारिश में, वो बाहर निकल आ जाएं। तो लैनो और लुगाई मोनू भाई की सुन लो, अपने दिल की बात कह दिया इन्होंने। आप नीचे को आ जा, चल ले मोनू भाई वहाँ लौंडो के पास ही पहुंच चुके हैं, जब वो बाहर नहीं आई तो मोनू आ जा। ये चूतिया पेट का मानने का नहीं, मुझे ऐसी लग रहा चूतिया साला। आ जा मोनू कहाँ है, आ जा। सब बहने हैं वो, अब इधर को चल रहे हैं भाई, अब सामने से दिखाएंगे भाई। इतनी देर होगी मोनू यहाँ कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक भी भाई, यहाँ बेकार ही आए हम। क्या कह रहा है? निमकी बहन दिखे कौन? निमकी वही मेरी सेटिंग, उसकी बहन लग रही है। उसकी बहन यहाँ किसके साथ आई है मुझे क्या पता, ठंड के मजे लिए जा रहे हैं बरसात के मौसम में। साली है मेरी, साली है मेरी चूतिया, साली तो बहन का घर वाली तो किसी और की बन गई हो, मेरे सिर पे पकड़ छाता अपना भीगी भीगी राधे, उससे तो छिन्ना है छाता भोसड़ी के, उसका छिन्ना तो सही बेकार है। चूतिया तू प्यार की निशानी है। हाँ मोनू इधर को चल ले, मेरे से देखा नहीं जाएगा, यहाँ कुछ नहीं हमारे देखने लायक। वही चल ले जहाँ लौंडे थे। आजा तो दोस्तों लौंडिया कहाँ चली? सामान छल्ला कहाँ चला गया? सामान कहना बंद करो छल्ला चला गया, छल्ला चला गया। तो दोस्तों हमने जो भी कोई पेड़ के नीचे बैठी हो, अपनी आशिकों के नीचे बैठी हो, सब उठ के यहाँ जाओ छोड़े ना, पर कोई नहीं आई। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखें, अपना टाइम ऐसी बर्बाद करते रहे। जय हिंद।